दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक वैसे तो दिल्ली वालों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी मोहल्ला क्लिनिक की हालत ही ठीक नहीं है। इसमें धांधली की जांच दिल्ली की विजिलेंस विभाग कर रही है। विजिलेंस की जांच के दायरे में दो मुख्य आरोप हैं। परिसर का किराया बाजार किराए से ज्यादा क्यों है? पार्टी कार्यकर्ताओं के परिसर किराए पर क्यों लिए गए? ये मोहल्ला क्लिनिक जो है, इस पर आरोप लगता रहा है कि अशोक सैनी जो है, आप म्यूनिसिपल काउंसलर जो हैं, उनकी बिल्डिंग में इस मोहल्ला क्लिनिक को बनाया गया है। यहाँ के जो आसपास का जो किराया है वहाँ पर लगभग 5,000 रुपये है, लेकिन इस मोहल्ला क्लिनिक को अशोक सैनी ने सरकार को 18,000 रुपये के किराए पर दिया हुआ है। जब विकास विहार में दो कमरों का औसत किराया पता किया गया तो वो 5,500 रुपये था, यानी मोहल्ले के किराए से करीब 12,500 ज्यादा किराया अशोक सैनी को दिया जा रहा है। जो यहाँ के जो रेट है यहाँ पर, जो किराया जो है वो लगभग कितना होता है? अगर किसी को 1 BHK या 2 BHK लेना हो तो लगभग कितना किराया जाता है? ज्यादा 5,000-6,000 रुपए। आपको पता है कि इसका किराया कितना है? 18,000 रुपए। किराए का खेल दिल्ली के टोडापुर इलाके में बने मोहल्ला क्लिनिक में भी देखने को मिला। ये जो मोहल्ला क्लिनिक जो बनाया गया है वो लगभग 15,000 रुपये किराए पर बनाया गया है। नितिन यादव जिन्होंने नाम लिया कि नितिन यादव के घर का, ये जो एड्रेस आपने बताया कि ये नितिन यादव का घर है, वो आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं और यहीं रहते हैं। उनकी माता जो हैं सुखवती देवी, उनके नाम पर ये किराए के मकान को लिया गया है। इस इलाके में दो कमरे का औसत किराया 7,500 है, लेकिन दिल्ली सरकार इस जगह के लिए दोगुना करीब 15,000 रुपये देती है। और कितना किराया देते हैं आप? मेरा 7,500। कितने रूम्स का? 2 रूम है। अच्छा, और ये जो मोहल्ला क्लिनिक, कभी गए हैं अंदर आप? गया। तो आपके मकान जितना आपका रूम है उतना ही बड़ा है? हाँ, 2 रूम मिला के सेम है। एबीपी न्यूज की जांच में पश्चिम विहार का एक मोहल्ला क्लिनिक आपके ट्रेड विंग के नेता संजय अग्रवाल के मकान में मिला। यहाँ पर औसत किराया 8,000 रुपए है, जबकि मोहल्ला क्लिनिक के लिए 20,000 रुपए किराया देती है सरकार। इंदिरा पार्क इलाके में पूर्वांचल सेल के सचिव उमेश शर्मा के मकान में मोहल्ला क्लिनिक चलता है, जिसके लिए वो 15,000 रुपए लेते हैं, जबकि इलाके का किराया 6,000 रुपए ही है। ऐसे में एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिक खोलने में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जमकर फायदा पहुँचाया गया है।